हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवांश भसीन एंड वेलकम बैक टू द इन्वेस्टर लॉजिक। सो आज के वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं कि आज जो एक्सपायरी थी, एक तो वो बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल एक्सपायरी थी एंड कल ही हम लोगों ने बता दिया था आप लोगों को कि मार्केट 1000 पॉइंट तक की भी बैंक निफ्टी रैली कर सकती है बिकॉज आगे कोई रेजिस्टेंस नहीं है और डिप में हमें बाय करना है। निफ्टी ने डिप दी, हमने बाय करा एंड क्या अपॉर्चुनिटी हम लोगों को देखने को मिल रही है। बहुत सारे ट्रेडर्स ने मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं कि उन लोगों ने निफ्टी बैंक निफ्टी पे हमारे थ्रू ट्रेड करा एंड उन्होंने प्रॉफिट अर्न करे। हमारे स्टॉक्स कैनरा बैंक कितना बढ़िया परफॉर्म करा, सारे स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा और 2-3 दिन से जो मैं अभी वीडियोज़ बना रहा हूँ सारे स्टॉक्स बेटर रिटर्न दे रहे हैं। अब इसके पीछे का देखिए दो रीज़न है, एक तो हमारी टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छी स्ट्रांग होती जा रही है, दिन बे दिन स्ट्रांग हो रही है। दूसरा रीज़न कि मार्केट ही खुद भी बुलिश है तो हमारे स्टॉक्स आउट परफॉर्म भी कर रहे हैं इंक्लूडिंग टेक्निकल एनालिसिस के जो भी स्टॉक्स हम फाइंड कर रहे हैं। सो अब क्या करना है, देखिए एक्सपायरी खत्म हो चुकी है, अब नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी की तैयारी करनी है। सो ऑप्शन डाटा पे एक बार स्टडी करेंगे कि नेक्स्ट वीक क्या बता रहा है। कल फ्राइडे है तो एक बार फ्राइडे के भी स्टॉक्स को हम लोग चेक कर लेते हैं एंड उनका एक डिसीजन ले लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना मैं सिर्फ 2 पॉइंट आपके सामने रखना चाहूँगा, 2 बातें शेयर करना चाहूँगा एंड फिर स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए भी। पहली चीज़ कि आप लोगों के बार बार मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रहा हूँ जो कि बहुत अच्छे आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। बट जो सेम चीज़ जो बार बार रिपीट हो रही है वो हो रही है कि जो एको की प्रॉब्लम आ रही है एंड जो थोड़ी बहुत वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है। डोंट वरी, कल मैंने बहुत सारा सामान मंगवा लिया है जो कि मैं चेंजेस करने वाला हूँ। वॉल पे भी एकूस्टिक फॉर्म्स लगाने वाला हूँ, माइक चेंज कर लिया है मैंने एंड एक प्रोफेशनल माइक भी लेकर आया हूँ मैं। सो वो कल या परसों तक डिलीवर हो जाएगा, तब तक आप थोड़ा सा बियर करिए, उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। दूसरी चीज़, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं एक ऑप्शन के ऊपर सीरीज लेकर आने वाला हूँ, मैं एक ऐसी ऑप्शन के ऊपर सीरीज लेकर आने वाला हूँ जो डेफिनेटली एक बिगिनर समझ सकता है और उस पर ट्रेड कर सकता है। मैं कोई ऐसे ऑप्शन पे वीडियोस नहीं बनाने वाला कि आप लोगों को थीटा गामा वेगा इस पर आप लोगों को मैं माइंड डाइवर्ट कर दूँ। ये इंपॉर्टेंट है बट ज़्यादा एडवांस और ज़्यादा टेक्निकल पे ना लेकर जाके एक सिंपल बेसिस से आप कैसे मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उस पर ट्रेड ले सकते हैं। सो मैं एक ये वीडियो लेकर आने वाला हूँ, तो इस पर मेरा सजेशन क्या है, जो आप सुनने के बाद एक बार वीडियो ज़रूर पॉज करेगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बता ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। देखिए दो तरीकों से मैं वीडियो लेकर आ सकता हूँ, या फिर मैं 15-15 मिनट की एक प्लेलिस्ट क्रिएट करूँ, मैं 5-6 वीडियोस बनाऊँ और 5-6 वीडियोस पे आपको एक्सप्लेन करूँ। अदरवाइज मैं 1 या 1.5 घंटे की पूरी वीडियो बना लूँ और उसी को यूट्यूब पर अपलोड कर दूँ। तो मैं यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा हूँ कि आप लोग 1-1.5 घंटे की पूरी वीडियो देखना पसंद करेंगे या 4-5 वीडियोस देखना पसंद करेंगे 15-15-20-20 मिनट की। सो प्लीज़ डू लेट मी नो, आप जैसे ही बताते हैं मैं कोशिश करूँगा कि संडे या मंडे तक और मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को भी मैं ये वाली वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आ जाऊँ जो डेफिनेटली आप लोगों का ऑप्शन ट्रेडिंग में जो माइंडसेट होता है ना, इट्स रिस्की हमें नहीं समझ में आ रहा, वो मैं आपका चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन। इसके अलावा गाइस, वीकली रिसर्च रिपोर्ट संडे को आने वाली है, तो अभी तक अगर आप लोगों ने साइन अप नहीं करा तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे गूगल फॉर्म है, क्लिक करिए, अपना नाम, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर डालिए, आप लोगों को 15 पेजेस की एडवांस रिसर्च रिपोर्ट मिलने वाली है। कोई भी फंडामेंटल नहीं है कि कंपनी क्या होती है, ये है वो है, पूरा टेक्निकल बेस्ड रहने वाला है, ठीक है। सो प्लीज़ डू फॉलो अस ऑन दैट हेयर। इसके अलावा प्लीज़ फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। आज हम लोगों ने पोस्ट डाला है हाउ टू फाइंड अ परफेक्ट मल्टीबैगर स्टॉक, तो वो पोस्ट डाला है, ज़रूर जाके चेकआउट करिए एंड पसंद आए, और बहुत चीज़ें भी और डाली है, पसंद आए तो प्लीज़ फॉलो अस ऑन देयर एज वेल। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के सामने हफ्ते में एक बार लाता हूँ, बट प्लीज़ अगर आप इसे अप्लाई करेंगे और एप्लीकेबल करेंगे तो आप लोगों के लिए इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा फायदा और बहुत नॉलेज मैं प्रोवाइड करवा सकता हूँ। सो आई थिंक मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया होगा आप लोगों का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और अपने ट्रेडिंग सेटअप की तरफ बढ़ते हैं। हाय गाइस, तो हम लोग अपने ट्रेडिंग सेटअप की तरफ आ चुके हैं। सबसे पहला स्टॉक जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ दैट इज IIFL वेल्थ मैनेजमेंट। IIFL वेल्थ मैनेजमेंट पे इस तरीके का एक नेकेड चार्ट है जो आपके सामने है
एंड हम जल्दी जल्दी इस पे अपने टेक्निकल टूल्स और ट्रेडिंग सेटअप्स को यूज करके एक पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। सो सबसे पहले अगर मैं लूँ तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना चाहूँगा। ये लाइन जो मैंने ड्रॉ करी है आप देख सकते हैं एग्जैक्टली इस लेवल पे आप लोगों को रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर भी अगर मैं जूम करता हूँ तो इधर भी हम लोगों को एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रहा है। इसके ऊपर डेफिनेटली गया था बट क्लोजिंग देखने को नहीं मिली थी। थर्ड टाइम इसने अप्रोच करा एंड दोबारा ऊपर गया बट क्लोजिंग देखने को नहीं मिली। एंड यहाँ पर इसने 9th of September को इसने एक ब्रेकआउट दिया, ऊपर की तरफ गया। अब ऊपर जाने के बाद अब ये रीटेस्ट आज के ट्रेडिंग सेशन पे करा इसने। ये स्टॉक और नए हाईस क्रिएट कर सकता है बिकॉज ये अपने लाइफ टाइम हाई पे स्टॉक काम कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली उसके पास है। सो ये और नए हाईस भी क्रिएट कर सकता है। हम लोग देख रहे हैं हम लोग कितनी अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहे हैं कि स्टॉक हाईस पे हाईस नए हाईस पे हाईस लगा रहा है बट हम ये बार बार सोच रहे हैं यार वो इतना ऊपर बढ़ गया अब तो बढ़ेगा ही नहीं तो छोड़ देते हैं और वो अगले दिन नया हाई बना देता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अब ये रैली ऐसी स्टार्ट हो सकती है इस स्टॉक के अंदर, तो इसे हम भूलेंगे नहीं। ये स्टॉक इंट्राडे के लिए नहीं है, ये स्टॉक पोजिशनल है इन द सेंस एक महीना डेढ़ महीने के लिए और ये स्टॉक बढ़िया रिटर्न्स दे सकता है। अब समझिए, देखिए सबसे पहले अगर मैं इसे जूम आउट करता हूँ तो यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है कि ये एक कप हुआ, ये एक राउंडिंग बॉटम दिख रहे हैं, एक राउंडिंग बॉटम, इट्स अ फॉर्मेशन ऑफ अ कप और ये इसका एक हैंडल है। सो एक कप एंड हैंडल का एक पैटर्न बना है जिसका ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। इसके अलावा 2020 को एक हाई इसका बना था एंड एग्जैक्टली उस हाई को इसने ब्रेकआउट करके ऊपर गया है, तो आई थिंक ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। एक साल पूरा इसने इसके नीचे कंसोलिडेट करा और फाइनली एक ब्रेकआउट दिया। अब दूसरी चीज़, अगर मैं थोड़ा सा शॉर्ट टर्म की तरफ चलता हूँ तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर भी तो एक कप एंड हैंडल बना हुआ है, ये कप है एंड दिस इज द हैंडल और इसका ब्रेकआउट दिया है। फोर्थ चीज़, इस पर्टिकुलर ब्लू लाइन के ऊपर एक डेढ़ साल से इसके ऊपर कभी भी क्लोजिंग देखने को नहीं मिली है और फाइनली 9 सितंबर को इसने यहाँ पर क्लोजिंग दी है। सो आई थिंक यहाँ पर एक बेस क्रिएट हो सकता है, ठीक है। सो अब हमें करना क्या है, मैं ट्रेंड लाइन और यूज़ कर लेता हूँ, आई थिंक ये ट्रेंड लाइन काम आ सकती है। इस ट्रेंड लाइन को यूज़ करा तो देख रहे हैं यहाँ पर एक सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो अब यहाँ पर मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर थोड़ी सी स्टडी करके देखते हैं कि हमें एक्चुअल में एंट्री पॉइंट कहाँ पर लेना है, ठीक है, क्योंकि एंट्री पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सो मैं एक लाइन टॉप टू बॉटम लेता हूँ एंड ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसका एक ब्रेकआउट आता है ना तो मैं एक बाय की पोजीशन इनिशिएट करके चल सकता हूँ। राइट नाउ द करंट प्राइस इज 1670 के आसपास है। सो अगर हम लोगों को बाय करना है ना तो मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम ओपन करूँगा एंड 15 मिनट पर मैं देखूंगा इसके ऊपर क्लोजिंग देखने को नहीं मिली है। इसके अलावा ये वाली जो कैंडल दिख रहे हैं इतनी बियरिश कैंडल है, ये एक रेजिस्टेंस का काम डेफिनेटली करेगी, 110% करेगी। तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तब तक मैं बाय नहीं करूँगा। सो यानी कि वो 10 रुपये ऊपर ही है। सो हमें कब बाय करना है, 1680 के ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए ना तो हम लोग बाय कर लेंगे। उसके बाद बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये स्टॉक मुझे लगता है कि अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, 1800-1700 के आसपास भी स्टॉक जा सकता है। स्टॉक को वॉचलिस्ट के अंदर जरूर ऐड करेगा। स्टॉक का नाम है IIFL वेल्थ मैनेजमेंट। बात करते हैं अपने सेकंड स्टॉक की। सो आवर सेकंड स्टॉक इज ICICI बैंक। सो अभी तक हम लोगों ने कोटक बैंक पे ट्रेड ले चुके हैं और उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर चुके हैं। लाइव जो मैंने स्ट्रीम करी थी दोपहर को 2 बजे लाइव मार्केट पे, मैंने HDFC बैंक दिया था, उस पर बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। कल मैंने आप लोगों को बोला था कि कैनरा बैंक आज बाय करना, उस पर बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। अब एक चौथा बैंक मैंने और सेलेक्ट कराया आप लोगों के लिए, उसका नाम है ICICI बैंक। ये स्टॉक देख के, इसका प्राइस एक्शन देख के मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक और भी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकता है। एक बहुत प्यारा ब्यूटीफुल इस पर प्राइस एक्शन हो रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले थोड़ी सी एनालिसिस जो कि हम लोग बेसिक करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है, आई थिंक ये लाइन सफिशिएंट होगी। इसको मैं थोड़ा सा इस लेवल पे ले आता हूँ, ठीक है। ये लाइन मुझे क्या बता रही है कि ये एक रेजिस्टेंस हुआ करता था जो कि 16th of Feb को बना था। इसके ऊपर इसने एग्जैक्टली इस लेवल पे ब्रेकआउट दिया। अब थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया, इट गेव अ रीटेस्ट एंड इट क्रिएटेड अ न्यू हाई। दोबारा इट गेव अ रीटेस्ट एंड इट क्रिएटेड अ न्यू हाई वंस अगेन। अब ये दोबारा नीचे आया और इस लेवल तक आया ही नहीं और दोबारा ऊपर जा रहा है, यानी कि इस पर जो बुलिश मोमेंटम है ना वो और ज़्यादा हेवी होते जा रहा है और ज़्यादा प्रेशर अपर साइड में देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर 2 सिनेरियो थे। पहला सिनेरियो, हाइज तो रेगुलर बेसिस पे ऊपर नए हाइज बन रहे हैं,
लोस एग्जैक्टली सेम होते थे। लोस बनना क्या चाहिए था एक्चुअल में, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया यही लो होना चाहिए था और यहां से ऊपर जाना चाहिए था, बट एक्चुअल में हुआ क्या, ये दोबारा नीचे आया, एक डबल बॉटम क्रिएट करा और दोबारा ऊपर गया। तो यहां पर जो लो है वो सिमिलर सेम बन रहा है बट हाइज नए बन रहे हैं। तो यहां पर इसको और बढ़िया तरीके से बुलिश मोमेंटम देने के लिए आप देख सकते हैं, स्टॉक ऊपर गया, नया हाई क्रिएट करा, अगेन नीचे आया, हल्का सा रिट्रेसमेंट लिया एंड दोबारा ऊपर गया, और वो भी एक गैप अप के साथ, आप देख रहे हैं गैप अप के साथ ऊपर गया और उस गैप को इसने फिल भी करा, आप देख रहे हैं शुरुआत में नीचे भी आया। ये स्टॉक की साइकोलॉजी है, देख रहे हैं कैसे हम स्टॉक की साइकोलॉजी पे कितना वर्क कर रहे हैं। अगर आप पहली बार इस YouTube वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी अभी लेटेस्ट दो तीन वीडियोस को ध्यान से देखिएगा, 30-30 मिनट या 20-20 मिनट की है, और वहां पर आपको स्टॉक साइकोलॉजी का पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा और जूम आउट करें तो यहां पर देख सकते हैं एक लाइन मैं और ड्रॉ करता हूं आप लोगों के सामने, दैट इज दिस पर्टिकुलर लाइन। जब मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ देख रहे हैं, जो कि 24th of September 2020 यानी कि एग्जैक्टली एक साल पुरानी ट्रेंड लाइन है। यहाँ पर ये मल्टीपल सपोर्ट्स ले रही है, एग्जैक्टली इस लेवल पे सपोर्ट ले रही है और यहाँ से ऊपर जा रही है। सो कंटिन्यूसली बेसिस पे ये हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन कर रही है। अब और चीज़ को अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो ये हाई है, ये देख रहे हैं एग्जैक्टली इस लेवल पे बेस क्रिएट करा, पहले प्रीवियस हाई को ब्रेक करा, एग्जैक्टली उसी जगह पे इसने सपोर्ट लिया एंड गैप अप के साथ ओपनिंग करी और ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब इसको पूरा हटा देते हैं। इसके अलावा एक कंसेप्ट और है जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं, जो कि है रिट्रेसमेंट। टॉप और बॉटम का जब मैंने रिट्रेसमेंट लिया तो मुझे यहाँ पर पता चला कि ये पर्टिकुलर स्टॉक एग्जैक्टली 50% पे रुका और वहां से ये ऊपर जाना स्टार्ट करा। सो यानी कि एक पूरी बुलिश इम्पल्स मूव का 50% गिरा, पॉज करा, यहाँ पर देख रहे हैं पॉज करा एंड इसके बाद यहाँ से ऊपर बढ़ना स्टार्ट करा। आई थिंक इट्स अ परफेक्ट स्टॉक अगर हमें एक बैंकिंग सेक्टर में रखना है, कैनरा बैंक अभी भी अच्छे लेवल्स पे है बाय करने के लिए, टारगेट हमारा आज के आज अचीव कर गया था, बट अगर आप इसे दोबारा बाय करना चाहते हो कैनरा बैंक को तो बाय ऑन डिप्स कर सकते हो। अदरवाइज HDFC बैंक भी बहुत अच्छे प्राइस पे है और एक ये स्टॉक है। ठीक है, इन तीनों चारों स्टॉक्स को अगर बैंकिंग सेक्टर में लगाना भी चाहते हो ना तो ये स्टॉक्स पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब दूसरी चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज, ICICI बैंक तो मैंने आपको दे दिया, बट गाइस आज जो बैंक निफ्टी का हाई था और जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई था, ये एग्जैक्टली अपने लाइफ टाइम हाई पे अभी बैंक निफ्टी क्लोज करा है। ठीक है, अगर कल बैंक निफ्टी यहां से 100 रुपए भी ऊपर चला गया तो वो नया न्यू लाइफ टाइम हाई बना देगा। ठीक है, सो पॉसिबल है कि शायद कल बैंक निफ्टी पॉज ले ले या एक दो दिन का रेस्ट ले ले, उसके बाद एक ब्रेकआउट दे, तो ये स्टॉक भी पॉज ले सकते हैं। सो डरिएगा मत कि शिवान सर ने बोला था इतने पैटर्न्स दिखाने के बाद भी कि ये स्टॉक अच्छा है और हम लोगों ने बाय कर लिया, अब ये नीचे आ रहा है। आप पॉइंट रखिएगा कि ये स्टॉक इनवैलिड कब होगा, सबसे पहले ये समझे कि ये स्टॉक इनवैलिड है। इनवैलिड का मतलब क्या है कि जो मिरर ट्रेंड है वो बुलिश है। इनवैलिड का मतलब क्या है कि वो बियरिश कब कन्वर्ट होगा, या मेरे लिए ये स्टॉक अब काम का कब नहीं रहेगा। वो तब नहीं रहेगा जब ये जो आप देख रहे हैं ना इस जोन के नीचे स्टॉक चले जाएगा। इसके नीचे अगर जिस दिन स्टॉक चला गया उस दिन हमारा जो बुलिश मोमेंटम था वो इनवैलिड हो जाएगा और फिर एक बियरिश ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। तो अगर आपको ये स्टॉक यहां मिल रहा है तो बाय कर सकते हैं, अगर आपको डिप मिल रहा है तो बाय कर सकते हैं। जब तक इसके नीचे नहीं जा रहा तब तक आप थोड़ा थोड़ा स्टॉक को बाय कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ऐसे स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, ना कि हमने सिर्फ देखा और हम लोगों ने बाय कर लिया, हमें ये नहीं पता कि कहां पर एग्जिट करना है और कहां पर स्टॉक अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है। आई होप ये स्टॉक की जो मैं साइकोलॉजी पॉइंट टू पॉइंट समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रही होगी और यही आप लोगों का ट्रेडिंग का जो माइंडसेट है ये चेंज कर सकती है। सो आई थिंक आपको ये स्टॉक पसंद आ गया होगा। तो बात करते हैं अपने लास्ट एंड थर्ड स्टॉक की। सो थर्ड स्टॉक की बात करें तो थर्ड स्टॉक का जो नाम है वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस अभी जो इसका करंट प्राइस है दैट इज 1406 रुपीज़ का। अब ये स्टॉक मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, इसको स्टडी करते हैं। तो मैं देखिए एक जोन क्रिएट कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। ये जोन मुझे क्या सजेस्ट कर रहा है, ये जोन मुझे ये सजेस्ट कर रहा है कि जब से इसने जोन के नीचे एक ब्रेकडाउन दिया है जो कि 27 अगस्त 2018 को दिया था ब्रेकडाउन, उसके बाद से ये मल्टीपल टाइम कोशिश कर चुका है इस जोन के ऊपर जाने की। फर्स्ट टाइम कोशिश करी थी इसने, मैं आपको डेट वाइज दिखाऊंगा, फर्स्ट टाइम इसने कोशिश करी थी 4 महीने बाद, उसके बाद 1 साल बाद कोशिश करी एंड उसके बाद एग्जैक्टली दोबारा 1 साल बाद कोशिश करी, बट ये कहीं पर भी इसके ऊपर क्लोजिंग दे नहीं पाया। उसके बाद इसी लेवल से हम लोगों ने एक शार्प फॉल दोबारा देखा था
एंड दोबारा जनवरी आप देख रहे हैं फेब 2020 पे एक ब्रेकडाउन आया था और अपने रेजिस्टेंस पे, एक साल बाद दोबारा जब ये आया तो वहां से दोबारा नीचे गिरा एंड फाइनली उसने एक ब्रेकआउट दिया हायर साइड में, ठीक है। इस पूरे 3 साल के रेंज को इसने फाइनली ब्रेकआउट दिया जनवरी 2021 पे। अब आप यहां देखिएगा, ये जो 3 साल का कंसोलिडेशन था, ये जो 3 साल पे इसने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया और उसका एक ब्रेकआउट दिया, जब इसके ऊपर गया और इसके ऊपर भी सस्टेन कर गया, तो अब ये लेवल ब्रेक डाउन होना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, और अगर होता है तो दोबारा रिकवरी आ सकती है। ये पॉइंट समझ गए? अब इतना बात तो हम लोगों ने समझ ली। एक चीज मैं और देख लेता हूं कि ये एक्ट कर रहा है एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है। ये जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस के थ्रू एक्ट कर रहा है, ओके। अब पास की स्टडी करते हैं। अब हमने इतना दूर का देख लिया, हमें सिर्फ पता लगाना था कि स्टॉक की साइकोलॉजी क्या है, कि वो एक्चुअल में हमें क्या बताना चाह रहा है। अब हम थोड़ा सा डाटा क्लोज डाटा पे स्टडी करते हैं। अब हमने देखा जब यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे दिया, इट गेव अ रीटेस्ट, दोबारा ऊपर गया, इट गेव अ रीटेस्ट, दोबारा ऊपर गया, दोबारा नीचे आया, दोबारा ऊपर गया। आपने एक चीज तो यहाँ पर समझ ली होगी कि इसके नीचे ये जा नहीं रहा और इसके ऊपर भी ये जा नहीं रहा, ठीक है। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ एंड मैं यहाँ पर एक जोन क्रिएट करता हूँ आप लोगों के साथ, दैट इज दिस पर्टिकुलर जोन। कि ये देख रहे हैं, इसने एक शार्प अप मूव दी, एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, और रेंज बनना कब से स्टार्ट हुआ था? फेब से। तो ऑलमोस्ट इसे 7 महीने हो चुके हैं और 7 महीने से एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, और रेंज के अंदर कंसोलिडेट, ये देखिएगा, ये बेस्ट पैटर्न होता है एक स्टॉक को ट्रेड करने के लिए। 3 साल से पहले ये एक रेंज के अंदर बंधा हुआ था, 3 साल बाद जाके इसने एक ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद दोबारा एक रेंज के अंदर आ गया। जब एक पैटर्न का ब्रेकआउट देता है और वो दोबारा दूसरा पैटर्न बनता है और उस वो भी रेंज के अंदर बनता है, तो जब उसका ब्रेकआउट आता ना तो बहुत शार्प रैली होती है। ये शार्प रैली और ये पैटर्न मैंने आप लोगों को सेंचुरी टेक्सटाइल स्टॉक के अंदर भी बताया था। मैं कल अगर वीडियो बनाऊंगा ना तो आपको उसके बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा। अब यहाँ पर क्या है, एग्जैक्टली बॉटम पर मल्टीपल इसने विक्स क्रिएट करे, मल्टीपल रिजेक्शन दिए एंड स्टॉक ऊपर गया। अब हमें यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए, ठीक है। अब ट्रेड कैसे करें? ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी जो कि एक हर्डल था। इस हर्डल को ट्रेड करने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर इसने एक ब्रेकआउट दे दिया है, एक साइकोलॉजिकल लेवल था जो कि 1400 रुपीज का था, उसके ऊपर भी क्लोज कर दिया। सो अब इस स्टॉक पे हमें ट्रेड करना है। मैं एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूँ विच इज दिस पर्टिकुलर लाइन, ठीक है। अब मैं आता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे जब मैं आया तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये देख रहे हैं इसने एक बहुत अच्छा आज के ट्रेडिंग सेशन पे ब्रेकआउट दिया, एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दे दिया। अब ये वाली जो कैंडल देख रहे हैं ना, ये वाली जो कैंडल ब्लैक कलर की, ये वाली कैंडल, इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस है, ये इसके नीचे मेरा ये स्टॉप लॉस है जो कि 1300 का, जो कि 100 रुपये नीचे है स्टॉप लॉस। ये मेरा स्टॉप लॉस होगा और कोई भी डिप आती है मैं उस डिप में इस पर्टिकुलर स्टॉक को एवरेजिंग करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। मेरा जो टारगेट है, मेरा जो सबसे पहला टारगेट है, दैट शुड बी 1500 to 1530 rupees, यानी कि पहला जो मेरा टारगेट है उस पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है 1:1, 100 रुपये का रिस्क है और 100 रुपये का प्रॉफिट है। अगर कल डिप देता है तो हमारे लिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और अच्छा हो जाएगा। अगर इसका ब्रेकआउट आ गया, अगर इसका ब्रेकआउट आ गया तो नेक्स्ट टारगेट 1800 रुपये का मिनिमम है। ये जो रेंज देखा ना, ये 300 रुपये की रेंज है, तो मेरा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो भी ऊपर साइड में 300 रुपये ऊपर होगा, ठीक है। सो अभी एग्जैक्टली बहुत अच्छे लेवल्स पे मिल रहा है, और मैं तो कहूं अगर डिप आ जाए ना 1300 रुपये के आसपास तो और अच्छे लेवल पे मिल रहा है। स्टॉक को बाय करिएगा, ये भी 1 महीना 1.5 महीने के लिए रखिए, आपको बढ़िया रिटर्न्स दे सकते हैं गाइस। ये मैं कोशिश करूंगा कल एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, टॉप 3 स्विंग ट्रेड्स दैट यू कैन बाय फॉर 1 to 2 months विद अ वेरी गुड परसेंटेज प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। तो अगर आपको लगता हो तो मुझे जरूर बताइएगा। तो ये गाइस मेरे थे 3 स्टॉक जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था विद अ वेरी डिटेल्ड डेडिकेटेड एनालिसिस। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। अब बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। मैं आज निफ्टी बैंक निफ्टी में कुछ भी नहीं बताऊंगा, क्यों? निफ्टी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है, ओपन इंटरेस्ट का डाटा दिखाने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आज एक्सपायरी थी तो ओपन इंटरेस्ट पे सब लोगों ने अनवाइंडिंग करी होगी, तो ओपन इंटरेस्ट का डाटा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, वो कल पता चलेगा कि अब नेक्स्ट वीक के लिए क्या हो सकता है। तो ओपन इंटरेस्ट का डाटा आज की जो वैल्यू है वो कुछ नहीं है उस पर।
एफआई डाटा के लिए अगर मैं थोड़ा सा भी बता दूं तो वही सेम चल रहा है जो हम 3 दिन से देख रहे हैं कि कॉल और पुट में उन्होंने सेम रखा हुआ है और फ्यूचर वो लोग बाय कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अब निफ्टी की बात करूँ तो ऑल टाइम हाई पे 17,600 पे ट्रेड कर रहा है। अब नेक्स्ट टारगेट 17,700 हो सकता है और 17,500 ब्रेक करेगा नहीं। बैंक निफ्टी अभी मैंने आप लोगों को खुद बता दिया कि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, एग्जैक्टली ऑल टाइम हाई के एग्जैक्टली बिल्कुल पास है। 50 रुपये ऊपर भी अगर ऊपर खुल गया तो भी ऑल टाइम हाई क्रिएट कर देगा। मेरे हिसाब से शायद आज क्रिएट कर भी दिया होगा। मैं आज मार्केट में एक्टिव नहीं था क्योंकि मेरे को हेडेक था, तो मैं इस वजह से एक्टिव नहीं था। बट ऑल टाइम हाई अगर देयर आर टू पॉसिबिलिटीज इन ट्रेड टू ट्रेडिंग इन बैंक निफ्टी। फर्स्ट, एक तो ऑल टाइम हाई पे अगर ब्रेकआउट देता है देर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि ऊपर जाके कोशिश करेगा कि नीचे आए, एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। इसके अलावा इसी रेंज के अंदर ट्रेड करेगा कल भी, ऊपर हल्का सा नीचे एंड फिर मंडे को हमें एक डिसीजन पता चलेगा। तो निफ्टी बैंक निफ्टी पे कोई भी ट्रेड मत करिएगा, अगर करना भी हो तो बाय साइड में ही करेगा, लिमिटेड क्वांटिटीज के साथ और अर्ली एग्जिट के साथ। सेल साइड में कोई ट्रेड नहीं करना, फोकस्ड ऑन स्टॉक स्पेसिफिक, और यहाँ पर आपको बढ़िया रिटर्न्स मिल सकते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा कंसेप्ट पसंद आ रहा होगा और मैं आप लोगों को ऐसी नॉलेज प्रोवाइड करवा रहा हूँगा जो कोई भी YouTube कम्युनिटी पे, स्टॉक मार्केट कम्युनिटी पे शायद नहीं करवा रहा होगा। सो प्लीज़ अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा गाइस, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा, एंड डू सपोर्ट अस एवरी टाइम। आई विल हियर फॉर यू। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे।